बात कर रहा था पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स जो होता है जैसे टोटल शेयर दिखाने के लिए होता है, कंट्रीब्यूशन के लिए होता है। ठीक है जी, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, लगाता हूँ पाई चार्ट। मैंने यहाँ पे लगा दिया पाई चार्ट। बाकी सब म्यूट कर दीजिए। पाई चार्ट में भी आप डेटा लेवल ऐसे दिखा सकते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूँ किस किस तरह से। अगर डेटा लेवल में कुछ चेंजेस चाहिए तो वही फॉर्मेट डेटा लेवल यहाँ से कर सकते हो। हाँ, डेटा लेवल्स में आप नंबर फॉर्मेटिंग भी सेट कर सकते हो। दिखाना है नहीं तो इसमें जो ऑप्शन है सीरीज नेम, कैटेगरी नेम, इस तरह से भी दिखाता है। जैसे SBI, साथ में नहीं पता पड़ा था, SBI सीधा सीधा लिखा आ रहा है। वैल्यू की जगह मैं ले लेता हूँ परसेंटेज। जैसे 100% है तो 1% SBI का है, PNB 30%, एक्सिस 30%। तो इस तरह मेरा मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, इस तरह से अलग अलग बैंक्स में मेरा मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट सपोज क्या होता है कि किसी कई बैंक्स में मेरी जो है बहुत लो इन्वेस्टमेंट है। जैसे यहाँ पे 1,000 रुपये पड़े हैं, यहाँ 2,000 रुपये पड़े हैं। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा है जो कि इसमें ना के बराबर है, दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें मान लीजिए 300 ही रुपए पड़े हैं। अब ये कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं कि क्या है। इस तरह की कंडीशन के लिए अपने पास है पाई ऑफ पाई चार्ट। ठीक है जी, इसी पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाके पाई में जाएंगे ना, तो पाई ऑफ पाई, पाई ऑफ पाई चार्ट में क्या होता है, आप फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे। इसमें ये सीरीज के ऑप्शन है, सेकंड प्लॉट कंटेन्स लास्ट टू वैल्यूज है, थ्री कर देता हूं। अब ये जो तीन वैल्यू जो कम थी वो यहां पे आ गया है। ठीक है जी, यहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा था, यहां पे आप उसको देख सकते हैं। डेटा लेबल्स कर देता हूँ तो ये हमको क्लियरली विजिबल है कि क्या हो रहा है। ठीक है, लेबल्स की सेटिंग करके पाई ऑफ पाई इसी चीज का सोल्यूशन है। ताकि आप मतलब जो इनविजिबल वैल्यूज इसके अंदर हो जाती हैं उनको देख पाए। बाकी इनकी सेटिंग्स वही है, आप इनको ड्रैग करके भी आगे पाई अलग कर सकते हैं, पाई अलग अलग दिखा सकते हैं, एक साथ सेपरेट कर सकते हैं। किसी भी चार्ट के सिलेक्शन पे आपके चार्ट टूल्स आ जाते हैं ऊपर, उसमें डिजाइन्स आपके पहले से अवेलेबल हैं। कोई भी डिजाइन जैसे आपको चाहिए वैसे चूज कर सकते हैं। लेआउट में क्या क्या चाहिए, कई चीजें नहीं आती, जैसे चार्ट टाइटल, इसमें कुछ सेटिंग्स पहले दी हुई हैं आपकी, लेजेंड्स दिखाने नहीं दिखाने, किधर दिखाने, डेटा लेबल सेंटर में होने चाहिए, आउटर होने चाहिए, किधर होने चाहिए वो है। ये इस तरह से हर एक की छोटी छोटी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है जी, तो पाई चार्ट है ये। बाकी आगे लाइन चार्ट है, मैंने बताया आपको ग्रोथ के लिए होता है, स्पेशल कुछ भी नहीं है, सिंपल लाइन है जहां पे आपकी एक फ्रिक्वेंट लाइन चली जा रही हो उसके लिए होता है। जैसे यहाँ पे डेट चली गई, हम यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। हर दिन की कितनी कितनी सेल्स थी, इस तरीके से आ गया। अब इस तरह के डेटा में लाइन चार्ट लगता है ट्रेंड दिखाने के लिए। ठीक है,
तो बड़ा करते जाएंगे डिटेल और भी साफ होती जाएगी। एक ट्रेंड जा रहा दिखा रहा है ये अपने को। ऐड डेटा लेबल्स, डेटा लेबल ऐड कर सकते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे चले, इसके भी स्टाइल्स आ जाते हैं। यहाँ पे लाइन आपको कुछ अलग तरह की चाहिए तो यहाँ से लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे बदल जाएगी। ठीक है जी। चार्ट के लेआउट पहले से ही लेआउट होते हैं आपके, जैसे चार्ट विद डेटा का लेआउट, ये डेटा का अलग अलग तरह के लेआउट्स हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है पावर पॉइंट में हमें विद डेटा लेआउट चाहिए होता है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे, यहाँ से मैं अगर कॉलम चार्ट ले आऊँ तो इसमें जो चार्ट लेआउट है यहाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चलने वाला है वो ये वाला होता है पावर पॉइंट, जिसमें डेटा भी साथ में है। ठीक है। तो कुछ लेआउट्स वगैरह के ऑप्शन आपके पास पहले से ही इसमें रहते हैं। ठीक है। जितने यही तीन तरह के चार्ट होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसको और डीपर वे में जानते हैं चार्ट को। चार्ट एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर ये सारा चार्ट चलता है। सेल्स एंड डे बाय सेल्स उठा लेता हूँ, दो तीन चार सेल्स लगा देता हूँ। मान लीजिए ये चार्ट का डेटा है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है कि यहां से कॉलम चार्ट ले लिया मैंने। ठीक है जी। तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो आपका ये सेल वन सेल टू इधर एक्सेस में आ रहा है और लेजेंड यहाँ आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि लेजेंड इधर आ जाए, ये सेल, ये जो सेल्स वन टू थ्री के लेजेंड से वो मतलब जो ये सेल वन टू थ्री जो है एक्सेस को छोड़ के लेजेंड में चला जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो रो का डेटा कॉलम में, कॉलम का डेटा रो में लाना होता है। तो यहाँ पे एक बटन है स्विच रो कॉलम, तो इसको स्विच करेंगे तो ये नाम इधर आ जाएंगे, ये लेजेंड बन जाएंगे सेल्स। ठीक है जी। इनको देखेंगे तो ये डेटा अलग तरह से चूज करेंगे, स्विच रो टू कॉलम, तो इसमें डेटा अलग तरह से सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन देख सकते हैं कैसे हो। ठीक है जी। तो रो कॉलम को बीच में इधर उधर चूज किया जा सकता है। अब इसमें थोड़ी सी उन चीजों पे आते हैं कि डिफिकल्टीज आती हैं कई बार हमें चार्ट बनाने में। मान लीजिए आपका जो डेटा है बीच में गैप, सेल्स कहीं से उठानी है, बीच में गैप है कुछ और भी लिखा हो सकता है। ठीक है जी। एग्जैक्ट कई बार चार्ट नहीं बनता, कभी कई बार इससे ज्यादा गैप है, ये सेल्स यहाँ पे है। ठीक है जी। कोई यहाँ पे है, अलग अलग जगह पे है, तो उस टाइम चार्ट कैसे बनेगा। या तो उनको एक जगह पे लाए अदरवाइज, तो उस केस में क्या कर लीजिए, ब्लैंक चार्ट ले लीजिए। ब्लैंक चार्ट ले लिया मैंने। अब इसमें ये बटन है यहाँ सिलेक्ट डाटा, या राइट क्लिक करके सिलेक्ट डाटा चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको फर्स्ट लेजिंग एंट्रीज सिलेक्ट करनी है। ऐड किया मैंने, सीरीज का नेम आया सेल वन और सेल्स का डाटा मैं यहां से मैंने चूज कर लिया। ठीक है जी। ओके किया, यहाँ पे चला गया। ठीक है जी। फिर ऐड करूंगा लेजेंड सेल्स टू और यहां से ये चूज कर लिया। जरूरी नहीं है एक ही जगह पे हो, ये कहीं से भी, जो मैं सिलेक्शन उठा रहा हूँ वो एक जगह होना चाहिए बाकी सारे। ठीक है जी। ये भी हो गया। फिर से ऐड करता हूँ सेल्स थ्री और यहाँ पे डेटा चूज कर लूंगा। ओके किया। फिर एक और लेजेंड सेल्स फोर और यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लिया। ओके। ठीक है जी। अभी मैंने लेजेंड सिलेक्ट किए हैं, एक्सेस सिलेक्ट करना बाकी है। एक एक्सेस चाहिए होता है तो हॉरिजेंटल कैटेगरी एक्सेस आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एडिट
एक्सेस लेबल रेंज यहाँ से ये उठा, ठीक है जी। ओके यहाँ पे आ गया साथ में, ओके करेंगे तो ये आपका चार्ट बन गया, ठीक है जी। यहाँ से स्विच टू डेटा कॉलम कर सकते हैं, या उसमें करना है तो अपने सिलेक्ट डेटा वाले पार्ट में भी ये चीज है आपके पास, ठीक है जी। बहुत ही आसान है, तो आप कहीं से भी अलग अलग जगह पर डेटा पड़ा हो तब भी बना सकते हैं चार्ट को, ठीक है। एक और चीज कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये चार अलग अलग तरह के कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है जी। बेसिकली ये लिंक्ड है इन डेटा से, अगर यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पे भी होती है। अब मेरे को ऐसा चार्ट बनाना है जिसका डेटा से कोई मतलब ना रहे, सेल्फ कंटेनिंग डेटा हो इसका। इसका लेआउट थोड़ा सा मैं वो वाला ले लेता हूँ, यहाँ से अपना डेटा वाला, ठीक है। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है। इस फॉर्मूले का एक मतलब होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली वैल्यू होती है इसमें B1 सेल दिखा रहा है, B1 यानी कि ये वाली लेजेंड एंट्री, ठीक है जी। यहाँ पे लेजेंड एंट्री आती है, देन उसका A2 से A5 क्या है, एक्सेस डेटा है, ठीक है जी। उसके बाद B2 क्या है, B2 से B5 ये इसका डेटा है, ठीक है जी, जो आपका इसका पैरामीटर वैल्यू डेटा है। उसके बाद एक क्या है, इसकी इंडेक्स पोजीशन है कि चार्ट में ये कॉलम सबसे आगे रहना चाहिए। अगर मुझे ये दूसरे नंबर पे चाहिए तो मैं यहाँ पे एक की जगह 2 लिख दूंगा, और ये जो नीला वाला है ये दूसरी जगह दूसरे नंबर पे चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, मैं क्या करता हूँ अपना कैलकुलेट वाला मेथड लगाता हूँ इस पर, सिलेक्ट करके अपना ही, ठीक है जी। सेल्स आ गया तो टेक्स्ट में जो है टाइटल दिया हुआ है, देन एक्सिस के लिए क्या है, एरे में ये दिया हुआ है एक्सिस डेटा, देन एरे में आपकी वैल्यूज दी हुई है, ठीक है जी। मैं इसको बगैर कुछ किए एंटर मार देता हूं। अब क्या होगा, मैंने कहा था कि जब कैलकुलेट करके वैसे ही एस्केप मार के निकलना चाहिए, एंटर मार देंगे तो ये डाटा ऐसे ही फिक्स हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूं वो चेंज आपको यहां नहीं दिखाई देगा, ठीक है जी। ये इस डेटा का, इस चार्ट का लिंक टूट गया है क्योंकि मैंने फिजिकली डेटा ऐसे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी। हर एक का मैं कर सकता हूं, इसको भी फ्री कर सकता हूं, यानी कि वो डेटा पीछे रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ये इसका फाइनली कर देता हूं, तीसरी का, इसको भी F9 करके कैलकुलेट कर ले रहा हूं। हालांकि ये मैं मैन्युअली टाइप करके भी लिख सकता हूं, मेहनत क्यों करनी जब हमें पता है कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एरे में जैसे एंट्री करते हैं वैसे की वैसी एंट्रीज यहाँ पड़ी हुई। तो अब देख रहे हूं, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, इसका इस डेटा से कोई मतलब नहीं है, अगर ये डिलीट भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चार्ट के पास अपना डेटा पूरा है, ठीक है जी। और इसके डेटा वाले पार्ट में देखना है, सिलेक्ट डेटा वाले में, तो आप इसको एडिट में जाके देख सकते हैं कि एंट्रीज कैसे पड़ी हुई थी, ठीक है जी। आप यहाँ पे भी ऐसे ही इसी पैटर्न से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी।
एक फ्री चार्ट बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, फायदा क्या होता है कि कहीं भी डेटा पड़ा है नहीं पड़ा है अपने मन से बना लिए, यहाँ पे आपको डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डेटा सेल्फ कंटेनिंग है इसके पास डेटा, ठीक है जी। दूसरा अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके साथ, चार्ट के साथ। जैसे मैंने आपको दिखाया पाई ऑफ पाई चार्ट, पाई का ही भाई होता है अपना डोनट अदर चार्ट्स में आता है, सेम वैसे ही दिखाएगा। डोनट में भी वही सिस्टम होता है, डोनट ऑफ डोनट। तो एक चीज बनाते हैं, एक स्पीडोमीटर आप लोगों ने देखा होगा एक्सेल में बनाते हैं चार्ट के थ्रू, कैसे बनाते हैं उसको एक बार बना के देखते हैं हम लोग। स्पीडोमीटर के लिए मुझे पहले तीन कैटेगराइजेशन चाहिए इनकी, रेड येलो ग्रीन, ठीक है जी। ये इसकी पट्टियां होंगी जैसे स्पीडोमीटर में होती है। फिर इसको कुछ पैरामीटर देता हूँ मैं, सेट करूंगा 200 पे वैल्यू, उनकी टोटल जो है 200 आना चाहिए। मतलब 200 को यूज करूंगा, यानी कि 100 को ही यूज करूंगा इसमें। कि मैं कैसे करूंगा इसको मैं 40 ले लेता हूँ, येलो वाले को मैं 20 ले लेता हूँ, या फिर ऐसे करते हैं 30 40 30, ठीक है जी। इनका टोटल आ गया 100, तो यानी इसका टोटल बन गया, अगर मैं इस पे पूरा डोनट चार्ट लगा देता हूँ तो ये किस पे बनेगा, 200 पे, ठीक है जी। 200 की कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं वो क्यों कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक डोनट चार्ट लिया मैंने, ठीक है जी। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो फॉर्मेट से, पहले तो मैं ये लेजेंड वेजेंड हटा देता हूँ, इनकी मुझे जरूरत नहीं। चार्ट एरिया से इसको नो फिल कर देता हूँ, और बॉर्डर भी मुझे नहीं चाहिए, नो लाइन, ठीक है। इस तरह का चार्ट। अब इसमें क्या है कि ये जो 100 वाला पोर्शन था वो ये है, 30 वाला जो था ये था रेड वाला। अब रेड लिखने से तो रेड आएगा नहीं, मैं करूंगा जब आएगा। ये मेरा 40 वाला पोर्शन है और ये फिर 30 का है, तो इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा स्पीडोमीटर की शेप में लाने के लिए। और इसको मुझे क्या करना है, पहले इस डेटा पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिल में जाके नो फिल कर देता हूँ, मुझे वो चाहिए ही नहीं, ठीक है जी। और इसको मैं रोटेट भी करना है, मुझे चार्ट को सिलेक्ट किया मैंने, और मैं डेटा सीरीज रोटेट कर लूंगा 270 पर, ठीक है जी, हो गया सीधा। देन इसको मैंने यहाँ इस वाले पॉइंट को करना है रेड, फिल में जाके सॉलिड फिल में रेड रेड चूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। अगले वाले को क्या करना है, मैंने येलो इसको करना है ग्रीन, ये मैंने ग्रीन कर दिया। अब ये मेरा स्पीडोमीटर का बेस बन गया, ठीक है जी। अब क्या चीज चाहिए मुझे, एक वो चाहिए
पॉइंट चाहिए जो रन करेगा बीच में इधर से उधर। तो उसको मैं क्या करूंगा, उसके लिए भी एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। इसमें होगा मेरा वैल्यू, ठीक है, पॉइंटर, पॉइंटर वो होगी तीली सी जो हैंड होगा इसका, ठीक है। अब बाकी मैं जो मैं इसको कहूंगा कुछ भी दे सकता हूँ, इसको भी मुझे 200 पे ही सेट करना होगा सारा का सारा। तो पॉइंटर मैं 2 पॉइंट का या 5 पॉइंट का जो मर्जी दे देता हूँ, ठीक है जी। और जो रेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 200 माइनस वैल्यू, ये दोनों प्लस करके, ठीक है जी। और यहाँ वैल्यू जैसे 30 40 कुछ भी दे देता हूँ, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी जिसके बीच पे स्पीडोमीटर हमारा काम करेगा। अब इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, एक पाई चार्ट बना देता हूँ। इसको भी मुझे 270 पे रोटेट करना है। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि क्या रहेगा, ठीक है जी। इसको मैं ये जो ग्रीन पॉइंट है रेस्ट वाला, उसको करने वाला हूँ गायब, नो फिल, ठीक है जी। ओके जी, पूरा ही हो गया। ये इसको क्लिक करके खाली, ये मुझे चाहिए नो फिल, ठीक है जी। अब ये जो रेड वाला देख रहे हैं आप, ये पॉइंटर है मेरा, अभी इसको डिलीट कर दो, इसकी जरूरत नहीं। अब जब यहां देखेंगे कि जैसे यहां वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या करेगा, चार्ट बढ़ेगा, ठीक है जी। ये एरिया बढ़ेगा, पॉइंटर 2 का 2 2 ही रहेगा, पर ये एरिया बढ़ेगा, नीचे वाला घटेगा, ठीक है जी। तो एक साइड से ये कम हो रहा है, एक साइड से बढ़ रहा है, यानी पॉइंटर मेरा सही दिशा में मूव करेगा इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है जी। अब मैं इस वैल्यू को भी फिल में नो फिल करा देता हूँ, नो फिल कर दिया, और बॉर्डर लाइन भी नो लाइन कर दी, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इसको जाके इसके बीच में पटकना है, सेंटर में लगे किससे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा माउस है, ये आ गया। और इसका जो इधर वाला पॉइंट है डेटा लेबल, डेटा लेबल को मैं उठा के कहीं रख देता हूँ, अलग अलग ये लाइन में चाहिए। यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है, चेंज हो रही है। यहाँ इस डेटा पॉइंट को ना लेके मैं इसके ऊपर एक ले लेता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल ये मूव हो रहा है, ठीक है जी। अब ये वैल्यू मैंने जो दिखानी है वो किसकी दिखानी है, ये वाली दिखानी है, वैल्यू वाली। तो इसको
इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सी ट्रिक खेलते हैं इसमें। वैल्यू की जगह जैसे अटैच नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, डेटा लेबल से काम नहीं करते हैं। एक और शेप ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वल टू करके वैल्यू दिखा देते हैं। थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ताकि अच्छी लगे। अब ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी ये उतने पे चलेगा, स्पीडोमीटर की तरह काम कर रहा है। इसका बेसिकली क्या है कि ये तीन पे नहीं, इसको आप जैसे, इसकी खासियत क्या है, ये 100 तक दिखाता है वैल्यू आपको, ठीक है जी, बाकी के लिए नहीं, 100 तक आपके साथ सही चलेगा। तो क्या करना है इसका, हमने बेसिकली 100, 0 से लेकर 100 तक की वैल्यूज यूज कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज। तो कहीं हमें परसेंटेज दिखानी है ना कि ये इसका कितना भाग है, तो उस जगह इसको यूज करते हैं हम लोग। वैल्यू वाले पार्ट में बाकी सारी चीजें ऐसी रहेंगी, वैल्यू वाले पार्ट में आप किसी की भी परसेंटेज डलवा दीजिए और उसकी परसेंटेज इस स्पीडोमीटर पे दिखाई पड़ेगी। और स्पीडोमीटर कैसा हो सकता है, जैसे अभी तो ये तो बेकार है, बेसिक सा है, पर अगर इसको थोड़ा सा ग्राफिक व्राफिक डाल के अगर अच्छा बनाए तो कैसा हो जाएगा, दिखा ले। अब ये देखिए, ये वाला जो डैशबोर्ड है ये भी सेम चीज है, इसमें मैंने और ग्राफिक्स थोड़े से ऐड कर दिए। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, कोई भी सेल्स सिलेक्ट करता हूँ, ये बताता है कि टोटल सेल का कितना परसेंटेज है। अगर इसमें मैं पूरी चूज कर लेता हूँ तो ये बता देता है 100%, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, ये देखिए, ये गोला अलग से बना है, पाई चार्ट वगैरह, ये वही लेबल है, ये धब्बे से जो बनाए हैं वो, ये भी अलग से वैसे लाइन वाइन खींच के बना दिए, ब्लर इफेक्ट ऐड करके, ठीक है। तो इस तरह के आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, जैसे अभी अब मैंने आपको इसका दिखाया, इसी तरह से आपको बियर मग का होता है, बियर का मग होता है, उसमें थर्मामीटर होता है, दुनिया भर के चार्ट के टूल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। बेसिकली इनको परसेंटेज के लिए यूज किया जाता है, जो खेल खेलना है वो यहाँ करना है। यहाँ लिंक दे के ये टारगेट था, ये सेल्स है, डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू लानी है, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से पार तो जाती है, तो इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। चार्ट के इसमें एडवांस यूजेज हो जाता है अपना, ठीक है जी। बाकी एक और चीज, सबसे आसान तरीका, जैसे कि किसी चार्ट में कोई वैल्यू बढ़ती है, अब यहां से मान लीजिए चार्ट बना रहा हूं, ठीक है, बनाया, मान लीजिए कल को इसमें वैल्यू बढ़ जाती है, यहां तो कोई अपडेशन आ नहीं रहा, उसके लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, या तो ये जो निशान है इनको नीचे तक ले आएगी, ठीक है जी। अब चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक ले, तो बेटर है इसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए,
बेटर है इसको फिर टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, फॉर्मेट एज टेबल करेंगे, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल का फायदा ये होता है कि जब भी किसी सबकी स्क्रीन सही चल रही है। चलिए वैसे मैंने खत्म ही कर दिया लगभग, तो मैंने बताया कि कोई भी डेटा जो है चार्ट के लिए यूज कर रहे हैं उनको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है जी। तो इसमें कुछ भी डालेंगे वो अगली टेबल में देख रहे हैं कि अपने आप इफेक्ट आ जाता है, ठीक है जी। सबसे आसान तरीका यही है, और नहीं तो करने को तो आप ऑफसेट का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है जी। तो आज हमने चार्ट्स के बारे में और थोड़ी से डीप में देखा, आगे हम जो देखेंगे इसमें आप बाकी चार्ट्स भी देखिए। एक चार्ट जो बनाया जाता है गैंट चार्ट, इसको देख लीजिएगा, नेट पे बहुत पॉपुलर है। गैंट चार्ट आपका चार्ट से भी बन जाता है और ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग से भी बन जाता है। गैंट चार्ट वो होते हैं टाइमलाइन वाले, कि ये प्रोजेक्ट इससे स्टार्ट हुआ और इतनी तारीख को खत्म हो जाता है, टाइमलाइन के चार्ट आते हैं ना, तो वो होते हैं। नेट पे चार्ट्स के बारे में अपडेट हो जाएगा, वैसे एडवांसमेंट इतनी ही है, ठीक है जी। उसके बाद हम कल जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो अपना करेंगे कंट्रोल्स के बारे में, ये फॉर्म कंट्रोल्स को चार्ट के साथ अटैच कैसे करना है। सैंपल के लिए दिखा दूं, कुछ ज्यादा मुश्किल होता नहीं, पर सारे कंट्रोल्स कल एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि ये मेरे पास एक स्लाइड बार है, तो यहाँ फॉर्मेट कंट्रोल में जाके अगर मैं सेल लिंक इसका इसको पकड़ा दूंगा तो ये मेरा चार्ट से ये वैसे चलने लग जाएगा। इसको खींचूंगा तो ये मेरा चार्ट इस पे चलेगा, ये सेल की वैल्यू जो है इस पे रिफ्लेक्ट होती है, ये सेट करता है, ठीक है। तो ये आपको कंट्रोल बड़ा एक अलग ही लुक एंड फील देता है, ठीक है। करता कुछ नहीं है, सारे कंट्रोल्स क्या करते हैं किसी एक सेल की वैल्यू चेंज करते रहते हैं, बस कैसे करते हैं कल मैं दिखाऊंगा आप, ठीक है जी। तो ये डायनेमिक सा लगता है, ठीक है सर। तो आज के लिए समाप्त करते हैं कल का, क्योंकि तो अभी टाइम नहीं है पूरा, नहीं तो मैं ये इसको आज ही खत्म कर दूं, ठीक है जी। फिर इसके बाद ही आपके नेक्स्ट कंट्रोल्स के बाद ही डैशबोर्ड पे चलेंगे। चलो। ओके।